हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह का 6 बज रहा है और हम हो गए हैं रेडी दुल्हन साड़ी में। और अभी हम हैं ससुराल में। सो हम हो गए हैं रेडी और अभी आज होगा नवमी। तो आप लोग को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नवमी की दुर्गा पूजा के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड हम हो गए हैं साड़ी में रेडी, चुंदरी साड़ी में। और जो कि मम्मी लाई थी दुर्गा पूजा स्पेशल डे के पहनने के लिए। और अभी बाल भी मेरा गीला है। सो मैं सोची आज ब्लॉगिंग करूं, क्योंकि अभी पंडित जी आने वाले हैं, 6 बज रहा है। तो आज नवमी है, आज होगा हवन। और सोनू जी फाइनली 9 दिन के बाद करेंगे मूर्धान, जो कि हवन के बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो आज खिलाया जाएगा, कन्या खिलाया जाएगा, हवन होगा, घर में आरती होगा, पूजा होगा। तो मैं कर रही थी ब्लॉगिंग। और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है और हम लोग 5 बजे उठ के पूरा नहा धोवा के रेडी हो गए। अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो फाइनली आप लोग ब्लॉगिंग में बने रहिए। एंड आगे 6:30 साल मैं ब्लॉगिंग करने वाली हूँ अपना ससुराल का, एंड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। टाइम अभी 6 बज रहा है ना। सो गाइस, हम चलते हैं पूजा के लिए और उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। तो आज का ब्लॉग्स मेरा रहेगा ससुराल का, पूजा का, जो भी हम पूजा वगैरह करेंगे सब लोग फैमिली के साथ, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे ब्लॉग्स को एंड कमेंट करेंगे। तो चलते हैं पूजा करने। दिया बाढ़ मम्मी अभी सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने अपने माता जी को घर में, जो मेरा कुल देवता है, उनका पूजा हमने कर लिया है अभी फिलहाल। और आप लोग देख सकते हैं माता जी का चौकी लगा हुआ है पूजा के लिए, पंडित जी का इधर बिछा हुआ है, बस पंडित जी का आने का वेट हो रहा है। सारा पूजा का सामान हवन के लिए रेडी है और हम लोग बस वेट कर रहे हैं भगवान पूजा करने के बाद। घर में पूजा हो गया हवन का, कि पंडित जी कब आए और कब हवन हो। सो इस तरह से चल रहा है पूजा का प्रिपरेशन। हम लोग तब तक घर में, मम्मी और हम लोग सब लोग सुबह में उठ के पूजा अगरबत्ती वगैरह दिखा लिए, पूजा कर लिए। और उसके बाद अब फाइनली हो रहा है सिर्फ पंडित जी का वेट। सो हम हैं आज दुल्हन बने हुए ससुराल में, चुंदरी साड़ी पहने हुए हैं, सब लोग तैयार हैं। और उसके बाद अभी रेडी होने के बाद जाएंगे हम लोग हवन, ये यहाँ पे घर पे जब हवन हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। सो आई
हो सके तो ये ब्लॉग्स दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा होगा। आज पूजा हवन भी होगा, कन्या भी खिलाया जाएगा, मंदिर में भी पूजा करना है और सारे फैमिली से मिलाना है, तो बहुत अच्छा वाला ब्लॉगिंग होने वाला है। सो बने रहिए फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को सब कुछ अपडेट करेंगे, देखने के लिए मिलेगा। और सोनू जी अभी वेट कर रहे हैं कि कब पंडित जी आए, कब मैं नहाऊँ और कब खाऊँ। तो इस तरह से चल रहा है, सब लोग तैयारी है, देखते हैं आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है, कौन कौन क्या कर लिया, तो आप लोग को दिखाते हैं। पंडित जी फर्स्ट एड करती इनको देख के जोर से भूख लगा। पंडित जी, जी के मम्मी फोन करी, पंडित जी फोन ही नहीं उठा रहे मम्मी पंडित मम्मी इसलिए परेशान है क्योंकि जल्दी से पंडित जी आए, हवन हुआ, खाना खाना मम्मी पापा का फोन उठा लेते हैं पंडित जी, मम्मी का नहीं उठाता है फोन, तो पापा का ही है आपको जोर से भूख लग गया क्या? आप 9 दिन लग नहीं लगा था, आज लग गया। पंडित जी का वेट हो रहा है, लेकिन आज लेट कर दिए, 7 बज के 7 बजे मम्मी फोन लगा रही है हवन के लिए, इनको इतना तेज से भूख लगा है। फोटो चलिए ना, तब तक फोटो खिंचाते हैं, बाल बाल फिर कर लीजिए नहाने के, टाइम पास हो जाएगा तब तक। रेडी है नवरात्र करने खिलाने के लिए? हाँ संजल यहाँ पे रेडी है, रेडी है चश्मा लगा के, खाना वाना कर लेना ना, एकदम हो गया, चाय चाय के सब घर अभी जल्दी इतना 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 हो जाता है, हो गया वीडियो कॉलिंग, हो गया आपका वीडियो कॉलिंग हो गया, दिखा दिए सब लोग रेडी होके बैठे हुए हैं पूजा के लिए। चंदन को लाए, चंदन करने खिलाई, चंदन रेडी हो गए, कहाँ चलना, मंदिर चलना है, मंदिर चलना है, कन्या खिलाने के लिए चुंदरी पहन लो, चुंदरी ले ली, इसका चुंदरी कहाँ गया? संजल रेडी हो गए, और संजल है यहाँ रेडी। सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पंडित जी आ गए हैं, और अब हम लोग मतलब 1.5 घंटा वेट करने के बाद सब लोग वेट कर रहा था कि पंडित जी कब आए कब आए, तो पंडित जी फाइनली आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं पूजा पर बैठ में, पूजा का हवन होगा, तो चलते हैं। और यहाँ पे पंडित जी से पूजा करने के लिए सब लोग रेडी है, जा रहा है पूजा करने के लिए। यहाँ पे हवन का तैयारी हो गया है, लाइट भी नहीं जल रहा है, हम लोग 4 बजे पर भोर हवन करने जा रहे हैं यही से हवन स्टार्ट हो जाएगा, चाचा जी को लग रहा प्यास लग गया पंडित जी जो नियत कर रहे चलते हैं। हवन करने के बाद हवन करेंगे, हवन सब लोग हवन करने के लिए वेट कर रहे हैं, यही रहते थे जहाँ पूजा कर। कौन सी चिटली? फाइनली फ्रेंड हम लोग हैं रेडी, और अब हम पंडित जी आ गए हैं, सोनू जी आ गए हैं, अब हम लोग चलते हैं पूजा करने, हवन करने, हवन करेंगे, हवन करेंगे। मम्मी एक फूल दी, एक फूल ही बचा हुआ है, सोनू जी आएंगे तब ना। खूब खुशी रहो, सौभाग्यवती रहो। शुरू से लेकर आज तक वाला कन्या वाला हमारा बीच में हम जाते हैं। हाँ आज यार थोड़ा पड़ते क्यों कर पड़ेगा धोती भैया के धंधे चलो ना इसी काम चलते चलो ना चलो ना जितने यहाँ चलो भाई जैसे
संजय से बोले ने बाहर बाहर के टाइम पास करे तो हां हां आए गए थे मैंने की करिया मैंने हर बार खेलने ना ना पूरा नहीं जरा वो नहीं बैठे यार ये होला ये होला जैसे दिया दूसरा जैसे गंगा नारायण हरे हरे शवन शिवजे हरि ओम चंदनम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा ललाटे ज्योतिकाकारं बाहुभ्यां वंशपत्रकं हृदये पदमाकारं सर्वतीर्थानि तु चंदनम आप लोग ले लीजिए पान कसे नहीं कुछ आप ले लीजिए पान कसे नहीं विदमस्तकम श्री सूर्याद पंच देवताभ्यो नमः दिया में हरे खा दीजिए एष धूपः श्री सूर्याद पंच देवताभ्य स्वाहा जल एकान गंध पुष्प दीप पर्ण पात तथा भाग नाना विधि वैद्यारणि पुनराज मनीया श्री सूर्य अवभिभवंशापितन मे न विज्ञानापेक्षा और यहाँ पे पूजा हो गई है और सब लोग जा रहे हैं हवन करने के लिए दूरा पे। मम्मी कहाँ मम्मी दिखाएंगे ना मम्मी 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 कोई मोबाइल नहीं पकड़ रहे हम ही पकड़ लिए सब लोग हवन कर रहे हैं सब लोग फास्टिंग किए हुए सब लोग जा रहे हैं हवन करने के लिए और हम आए अभी कर रहे बताशा ले लीजिए इदम नहि वेद्यं ओम हम अग्नये नमः जल ले लीजिए एतां गंधकं परणपात् तथा भाग नाना वेद्यारणं ओम हम अग्नये नमः एतां गंधनामा पुष्पांजलि चावल डगरा में चावल रहे चावल दे के ऐसे करके राउंड कर देती अग्नि के संकल्प
जल लेकर और अपने अग्नि महाराज को नारियल के कपड़ा लपेट के पान के पत्ता कस्तूरी पैसा धनी लपेटे उस नारियल पर चलिए फ्रेंड यहाँ हो गया हवन और आरती और हम लोग पूजा से फ्री हो गए हैं। अब कन्या खिलाया जाएगा और सोनू जी का फाइनली पूजा हो गया। सब लोग घर में सारे फैमिली मिलकर पूजा कर लिए अभी और अब लोग हम लोग फाइनली पूजा से फ्री हो गए हैं। अब जाएंगे मंदिर और पहले कन्या खिला लेंगे उसके बाद।